Good morning, children, and welcome to English class. Today I will give you the summary of lesson 5. The name of the lesson is The 100 Dresses, Part 1, written by Alina Astor. Children, this is the story of a girl named Wanda Petronsky. ये जो वांडा पेट्रोंस्की थी चिल्ड्रेन, ये पोलैंड में रहती थी, लेकिन अपने एंटायर फैमिली के साथ ये अमेरिका में परमानेंट शिफ्ट हो गई थी और अमेरिका के ही एक स्कूल में इसका एडमिशन हो गया था और ये वहां पर रेगुलर स्कूल आया करती थी। रूम नंबर 13 ये इसका क्लासरूम था जहां पर ये रोज आती थी और लास्ट बेंच पर बैठ जाती थी। ऐसा क्यों करती थी ये चिल्ड्रन? क्योंकि जो क्लास के बच्चे थे वो वांडा पेट्रोंस्की के साथ डिस्क्रिमिनेट करते थे। वो इसके टाइटल पेट्रोंस्की जो टाइटल था उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि जो बाकी बच्चे थे वो नेटिव अमेरिकन थे और इस तरह का सरनेम किसी का नहीं था, इसीलिए ये बच्चे वांडा पेट्रोंस्की के टाइटल का मजाक उड़ाया करते थे। क्लास में और भी बच्चे थे जिनमें से पैगी और मैडी फर्स्ट रो में बैठती थी, ये बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे थे। ये लड़कियां भी वांडा पेट्रोंस्की का फन बनाया करती थी, हमेशा उससे यही क्वेश्चन करती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। वांडा पेट्रोंस्की उन्हें एक ही जवाब देती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं जो कि मेरे क्लोजेट में बहुत ही प्रॉपरली अरेंज करके रखे हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पैगी करती है कि तुम्हारे जो ड्रेसेस हैं वो क्या सारे एक कलर के हैं? वांडा कहती है नहीं, मेरे सारे ड्रेसेस अलग अलग कलर के हैं और डिफरेंट फैब्रिक्स के हैं। बातों बातों में पैगी ये भी क्वेश्चन करती है कि तुम्हारे पास कितनी फुटवियर्स है? वांडा जवाब देती है कि मेरे पास 60 पेयर्स ऑफ फुटवेयर है और वो सब डिफरेंट है। आखिर पैगी वांडा से हमेशा ये क्यों पूछा करती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है चिल्ड्रेन? वो इसलिए क्योंकि वांडा पेट्रोंस्की स्कूल में सिर्फ एक ड्रेस पहन करके आती थी जो कि कॉटन था और ब्लू कलर का था, फेडेड था और उसके फिटिंग का भी नहीं था। पैगी उसका मजाक इसलिए उड़ाती थी क्योंकि वांडा हमेशा यही कहती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस है, लेकिन पहन करके सिर्फ और सिर्फ वही एक ड्रेस पहनती थी जो कि ब्लू कलर का था। अब स्कूल में कंपटीशन होता है, लड़कियों को टॉपिक दिया जाता है कि आप लोगों को ये ड्रेसेस डिजाइन करनी है और बॉयज को टॉपिक दिया जाता है कि आप लोगों को मोटरबोट्स बनाने होते हैं। लड़कियों को टॉपिक मिलता है कि आप लोगों को ड्रेसेस डिजाइन करने हैं, स्केचेस बनाने हैं ड्रेसेस के, और बॉयज को टॉपिक मिलता है कि आप लोगों को मोटर बोट्स बनाने हैं। और जब कंपटीशन का रिजल्ट डिक्लेयर होता है उस दिन हकीकत पता पड़ती है कि वांडा जिन ड्रेसेस के बारे में कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, एक्चुअली में वो ड्रेसेस के स्केचेस बनाया करती थी। वो 100 ड्रेसेस के डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्केचेस बनाया करती थी और उन्हीं ड्रेसेस के बारे में वो कहती थी कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है उस दिन पूरी क्लासरूम में वांडा के बनाए हुए 100 ड्रेसेस एकदम लाइन से लगा दिए जाते हैं। सभी बच्चे
उन स्केचेस को देख करके बहुत खुश होते हैं। यहाँ तक कि जो जजेस होते हैं वो भी कैलकुलेट नहीं कर पाते किसे अच्छा बोले किसे बुरा बोले। दैट मीन्स सारे ड्रेसेस इतने एक्सीलेंट थे कि ये अंदाजा लगाना कि कौन सा बुरा लग रहा है कौन सा अच्छा लग रहा है बहुत ही डिफिकल्ट था। सेम डे मिस मैसन रिजल्ट डिक्लेयर करती हैं। वो बॉयज कॉन्टेस्ट में जैक बैगल्स को बुलाती हैं और उन्हें गोल्ड मेडल देती हैं और गर्ल्स में वोंडा पेट्रोंसी का नाम पुकारती हैं। लेकिन वोंडा पेट्रोंसी एब्सेंट होने के कारण अपना गोल्ड मेडल रिसीव करने नहीं आ पाती हैं। मिस मैसन ये कहती हैं कि चलो कल अगर वोंडा पेट्रोंसी आती है तो ये मेडल हम वोंडा को कल दे देंगे। और उन्होंने जो स्टूडेंट थे उन लोगों को कहा कि आप लोग वोंडा के द्वारा बनाए हुए स्केचेस को वॉच करिए देखिए। और इसी के साथ द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 की स्टोरी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट में हम द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 जो कि 100 ड्रेसेस पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन है उसकी समरी आपको बताएंगे। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग द कोर्स एंड स्टे सेफ। थैंक यू।